कल ही के दिन हमने एक शॉर्ट अपडेट, खाली 10 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला था टाटा मोटर को, और एक थोड़ा सा एक जनरल इनसाइट लेने की कोशिश की थी कि कल के दिन क्या हो सकता है, और हमने देख लिया कि आज के दिन क्या हुआ। टाटा मोटर इंक सब पार्ट विद टाटा पावर फॉर रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट इन पुणे। तो इनका सोलर प्रोजेक्ट आया। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ नई मार्केट में आती है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सोलर पैनल मार्केट में नया है, बट ये सोलर पैनल जो है अभी अभी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक मतलब मार्केट में ट्रेंड हो रहा है। बिकॉज देखिए, जैसे कि हमारा इंटरनेट ट्रेंड हो रहा था तो इंटरनेट को कामयाबी मिल गई, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल अभी हम पकड़ सकते हैं स्मार्टफोन ट्रेंड हो रहा था वो पकड़ गया, क्रिप्टो करेंसी वो पकड़ गया। अभी वैसे ये ग्रीन एनर्जी इज अ न्यू जनरेशन रेवोल्यूशनरी प्लान, तो जो जो इसके ऊपर मतलब अपना पहला हाथ मार रहे वही जाके आगे सर्वाइव करेंगे, जो इसे ठुकरा देंगे उसका तो शेयर की प्राइस गिरेगी ही और उसका बिजनेस भी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। इसीलिए आई लाइक टू अवॉइड सच स्टॉक्स जिसके अंदर हमारा कोल का मेनली बिजनेस है, एकदम मेनली कोल एम्बर्शन का बिजनेस है, और ऐसे जो एनवायरमेंट को हार्म करने वाले बिजनेस है ज़्यादा एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, बिकॉज आगे जाके वो बॉयकॉट हो जाएंगे या फिर अगर उन्होंने अपने बिजनेस में कोई चेंज नहीं लाया तो उनका तो वहाँ पर चले ही जाएगा। अब थोड़ा सा आगे देखें तो उन्होंने ट्यूजडे को यहाँ पर टाटा पावर को इंस्टॉल करने के लिए कहा था 3 मेगावाट पावर रूफटॉप सोलर प्लांट, और जो उसका प्रोजेक्ट है वो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का है। अभी हमने देखा टाटा केमिकल इसकी बैटरीज बनाता है, लिथियम आयन बैटरीज का टाटा केमिकल का काम है, टाटा पावर का पावर जनरेशन और पावर सप्लाई का काम है, टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम है। तो ये पूरा एक सप्लाई चेन है जो मिलकर बनाता है टाटा को एक वैल्यू बाय, बिकॉज हर एक स्टॉक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हमने देखा एप्पल का प्रोडक्ट इतना चलता क्यों है, ओनली बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव? नो, दैट्स नॉट द ओनली रीजन। द एग्जैक्ट रीजन इज कि उसकी जो स्पीड आती है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो ग्रेट है, और वो एफिशिएंसी क्यों ग्रेट है, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट इज मेड बाय टाटा बाय एप्पल इटसेल्फ, एंड जो एफिशिएंसी हर एक प्रोडक्ट खाली एप्पल बनाता है उसकी वजह से जो एफिशिएंसी आती है वो इनक्रेडिबल है, एंड दैट इज वाई इट इज ट्रेंडिंग इन एवरी मार्केट। अब इसने शेयर प्राइस को लीड किया ऊपर जाने के लिए। अगर हम देखें तो कार्बन का एमिशन जो है ना वो अराउंड 3538 टन्स पर ईयर है, जो उन्हें कम करना है। 45 लाख किलोवाट आर पर ईयर का इन्होंने कार्बन एमिशन रखा था, बट अभी वो कम होने वाला है, और जो भी कंपनी उसे कम करेगी तभी ही हमें उसका ग्रोथ देखने मिलेगी। ये एक हमें इलॉन मस्क के थ्रू हमें पता चल गया है, बिकॉज इलॉन मस्क ने बिटकॉइन को प्रमोट किया। फिर कई सारे लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने बिटकॉइन को छोड़ दिया या फिर धोखा दिया, कोई धोखा नहीं दिया, उन्होंने बिटकॉइन को प्रमोट किया। फिर बाद में उन्हें पता चला कि जब बिटकॉइन की माइनिंग होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक मात्रा में कार्बन एमिशन होता है, एंड वो ये सारी चीजें नहीं चाहते हैं, वो हमारे एनवायरमेंट को पल्यूट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कार टेस्ला बना दी, तो इसी वजह से उन्होंने उसको प्रमोट करना खत्म कर दिया। अभी आगे जाके यही होने वाला है, जो ये सारे बिजनेस में है उसके बिजनेस ठप होने वाले हैं, जो खाली अच्छे बिजनेस में है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे बिजनेस इन द सेंस थोड़ा सा मेटाफर है, वो आप समझ लेना, अच्छे बिजनेस इन द सेंस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में जो झपटा मार रहा है। अभी हमने देखा अदानी ग्रुप भी इसके अंदर आया है, रिलायंस ग्रुप भी इसके अंदर आया है, टाटा ग्रुप भी इसके अंदर आया है, सब बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स इसके अंदर आ रहे हैं, और जिसने इसको अडॉप्ट किया वो कंपैटिबल हो जाएगा, जिसने नहीं किया उसका नोकिया जैसा हाल हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एनर्जी एफिशिएंसी इज एट द कोर ऑफ द कंपनीज एफर्ट्स इन रिड्यूसिंग जीएनजी एमिशंस एंड द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्ले अ वाइटल रोल, ही एडेड। वी विल कंटिन्यू टू कंजर्व एनर्जी इन आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ऑप्टिमाइजिंग द कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स, और इन्होंने ये सारी चीजें कही है। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं, जिस तरह से इनका कार्बन जीरो कार्बन का गोल है ना, वो हमें कहीं ना कहीं एक स्टेप अहेड हो चुके हैं। इन्होंने अपना जीरो कार्बन का गोल बताया, एंड विद दिस थिंग दे आर मूविंग वन स्टेप अहेड फॉर दिस फॉर अचीविंग दिस गोल। वी विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड सच फ्यूचर फोकस्ड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, एंड जब जब ऐसी न्यूज आएगी तब तब शेयर में बूस्ट अप देखने मिलेगा, टाटा मोटर 1.5% अप, अब और जो हमारा टाटा पावर है वो भी 1.5% अप। तो 1.5% अप आपको लग रहा होगा कि कम है, लेकिन 1.5% अप इज अ वेरी बिग अमाउंट, बिकॉज बिगनर्स 90% लोग बिगनर्स देख रहे हैं, एंड ये चैनल बिगनर्स के लिए ही है, और बिगनर्स को यही लग रहा होगा 1.5% कम है, लेकिन 1.5% आपको देखना बहुत ज्यादा है। एक कंपनी जिसका मार्केट कैप अगर आप देखो तो टाटा मोटर का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ है, उसका 1% आप पकड़ के चलो कितना ज्यादा हो जाता है, 1,000 करोड़ तो इसका एक ही दिन में बढ़ गया, 1,000 नहीं 1,500 करोड़ तो इसका एक ही दिन में बढ़ गया। तो आपको ये
बातें ध्यान में रख के चलनी है। 1500 करोड़ आपको जो समझ रहे हो ना, पेनी स्टॉक 5-5% ऊपर जाते हैं, तो 5-5% ऊपर जाते हैं, उनका मार्केट कैप 1000 करोड़ भी नहीं रहता है। और इसका खाली देखो एक दिन में 1000 करोड़ बढ़ गया, तो आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। जिस तरह से इसने मूवमेंट दिया, आने वाले समय में हमें ये दोनों शेयर्स 500 के लेवल्स पर जाते हुए आराम से दिख सकते हैं। टाटा पावर का देखे तो टाटा पावर में हमें जो वॉल्यूम बेस्ड काम होते हुए देखने मिला वो होते हुए देखने मिला, बाइंग क्वांटिटी की लगी पड़ी है 5717 की और बाइंग प्राइस 1333 का लगा पड़ा है अभी तक बाइंग क्वांटिटी में। और वहीं अगर टाटा मोटर के बाइंग प्राइस की बात करें तो उसके अंदर थोड़ी सी एक जनरल सी सेलिंग प्राइस लगी पड़ी है, बट अगर आप थोड़ा सा देखो तो टाटा मोटर में 30% की डिलीवरीज उठाई गई है। और वहीं पर ऑन द कॉन्ट्रैरी इफ यू टॉक अबाउट टाटा पावर, तो टाटा पावर के अंदर 37% की डिलीवरीज उठाई गई है और 1.33 करोड़ का टाटा पावर में है और 2.33 करोड़ का टाटा मोटर में, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। 2 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं इन दोनों के अंदर, तो आप उसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हो। देखिए 15 जून को इसने अपने 360 के 52 वीक हाई को टच किया था, और वहीं अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने भी 9 अगस्त को, तो फिर जून और अगस्त, तो इन्होंने एक महीना हो गया अभी तक 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जब ये 52 वीक हाई को ब्रेक करेंगे तब हमें रैली बड़ी एक्सपेक्टेड है, तो उससे पहले रैली एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा नहीं क्या? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस शेयर को अभी बाय कर लेना चाहिए, कभी सेल कर देना चाहिए, ये मैं आपके साथ खाली न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि कभी बाय करूँ सर, फ्रेश बाय करूँ कि नहीं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द वीडियो एंड आई डोंट वॉन्ट दैट। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने आज तक आप तक पहुँचाई दी है, और ये रिपोर्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन केस अगर आपको इसका रेफरेंस लेना हो तो। सो आई होप कि मैंने अपनी बातें पहुँचा दी हो। इफ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।